हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सिंह लंदन। सो आज मैं वापस से आई हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ तो नहीं है, खासकर हमारे इंटरनेशनल लोग जो यूके में आना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि लास्ट फ्यू मंथ से काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं स्टूडेंट्स को लेकर, क्योंकि उनको इमिग्रेशन को स्टॉप करना है। यूके की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, इकनॉमी का बहुत ही बुरा हाल हो रखा है, तो उन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पास ऑन कर दिए हैं, जो कि बहुत सारे रूल्स तो 17th ऑफ जुलाई से ऑलरेडी लागू हो चुका है, कुछ रूल्स अगस्त से आ रहे हैं और जो कुछ रूल्स हैं वो जनवरी 2024 से अप्लाई होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट मी स्टार्ट माई वीडियो। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पूजा सिंह लंदन, ताकि मैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती रहूँ। सो लेट मी स्टार्ट माई वीडियो, हियर वी गो। सो यूके गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को पास किया है। 39 पेजेस की एक बड़ी सी लिस्ट है, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लेकिन मैं जस्ट उसको समराइज़ करना चाहती हूँ और मैं उन्हीं पॉइंट को फोकस करूँगी जो हमारे लिए हेल्पफुल है, खासकर हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यहाँ पे आना चाहते हैं या जो वर्क वीज़ा में हैं, जो ऑलरेडी यूके में हैं। सो मैं उसी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी जिससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो जो ये पूरी लिस्ट है उसमें कौन क्या क्या है जो इफेक्ट होने वाला है, सो इसमें स्टूडेंट वीज़ा इफेक्ट होने वाला है, इसमें डिपेंडेंट को हम ला सकते हैं कि नहीं वो इफेक्ट होने वाले हैं, इसमें हमारे IHS की जो फीस है वो इफेक्ट होने वाली है, और हम जो हाई स्किल्ड वर्क वीज़ा या अपना वीज़ा को चेंज करते हैं वो भी इफ़ेक्ट होने वाला है। तो ये सारे चीज़ें मैं इसमें कवर अप करूँगी कि क्या क्या जो रूल्स पास हुए हैं अभी गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ रूल्स की डेट्स एज मैंने बताई हैं कि अनाउंस कर दी गई हैं, बट कुछ रूल्स को अभी जस्ट कहा गया है कि ये लागू होगा, बट वो कब से होगा ये अभी तक बोला नहीं गया है। स्टूडेंट वीज़ा स्विच की, सो उसमें उन्होंने बोला है क्लियरली कि अगर आप यहाँ पर मास्टर करने आ रहे हैं या आप यहाँ पर अपनी पढ़ाई फिनिश करने आ रहे हो, तो आपको पहले अपनी पढ़ाई फिनिश करनी है और उसके बाद आप अपने वीज़ा को स्विच कर सकते हो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में, क्योंकि यहाँ पे अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको वो पढ़ाई कर रहे होते हैं और उनको जॉब मिल जाती है, उनको कोई स्पॉन्सर मिल जाता है, तो वो अपनी पढ़ाई को बीच में ही रोक कर उस जॉब को ले लेते हैं और अपने वीज़ा को स्विच कर लेते हैं। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है कि अब आपको पहले अपनी पढ़ाई जो आपको कैश लेटर मिली है पहले आपको वो फिनिश करनी होगी, अपने कोर्स को फिनिश करना होगा। सो डिग्री और कोर्स, आप ये समझे, डिग्री हमें थोड़े लेट से मिलती है, कोर्स हमारा पहले फिनिश हो जाता है। सो अगर आपका कोर्स फिनिश हो जा रहा है तब आप उसके बाद अपने वीज़ा चेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो आप वहाँ पे काम करना शुरू कर सकते हैं हाई स्किल वर्क वीज़ा में, ठीक है। सो ये पहली चीज़ है कि आप स्टूडेंट वीज़ा में अपने वीज़ा को स्विच नहीं कर सकते हैं, इट वोंट बी अलाउड। सो PhD स्टूडेंट, जो पहले जो रूल था, क्योंकि PhD एक लॉन्ग टर्म कोर्स है, 3+ ईयर की वो कोर्स हो जाती है, सो पहले था कि 12 मंथ आपकी PhD कोर्स अगर फिनिश हो जा रही है एक साल होने के बाद आप अपने वीज़ा को स्विच कर सकते थे स्किल्ड वर्कर वीज़ा में, उसको बढ़ा के उन्होंने 2 साल कर दिए। तो आप अगर PhD करने के लिए यूके में आ रहे हैं और आपकी PhD 3 साल की है, तो जब तक आपकी 2 साल की PhD की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती है आप अपने वीज़ा को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 24 मंथ्स होने के बाद ही आप अपने वीज़ा को चेंज कर पाओगे। सेकेंड जो बहुत ही बड़ी चेंज हुई है, जो पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है लेकिन अब उसको अनाउंस कर दिया गया है, कि अब आप अगर मास्टर्स करने आ रहे हैं, बैचलर्स करने आ रहे हैं, आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि जो लोग इस साल आने वाले हैं दिस ईयर 2023 में, वो अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। जो सितंबर की अभी बहुत बड़ी इनटेक जो आ रही है, आप उसमें अपने डिपेंडेंट को ला सकते हो, क्योंकि ये जो रूल है ये जनवरी 2024 से अप्लाई हो रहा है। उससे पहले जो भी यूके में आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए वो अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं, और आप प्रीवियस जो रूल है, जैसे हम जिस रूल पे आए थे यूके, आप उसी रूल के हिसाब से यहाँ रह सकते हो, काम कर सकते हो। पर जो लोग जनवरी 2024 के बाद से आने का प्लान कर रहे हैं वो अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकते हैं मास्टर्स करने के लिए, मास्टर अगर आप करने आ रहे हो या बैचलर्स करने आ रहे हो। लेकिन जो लोग PhD करने आ रहे हैं या रिसर्च बेस्ड कोर्स करने आ रहे हैं, अब यहाँ रिसर्च बेस्ड कोर्स जो है
वो एक बड़ा लिस्ट है जो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। वो शायद यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी कि कौन सा रिसर्च बेस्ड कोर्स है और कौन सा कोर्स रिसर्च बेस्ड नहीं है, लेकिन मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि बेसिकली यहाँ पे पीएचडी को फोकस किया जा रहा है कि अगर आप पीएचडी करने आते हो तब आप अपने डिपेंडेंट को यहाँ ला सकते हो, लेकिन अगर आप मास्टर्स या बैचलर करने आ रहे हो तो आप अपने डिपेंडेंट को जनवरी 2024 से नहीं ला सकते हो। जो थर्ड है उसमें हम सब इफेक्ट होने वाले हैं, चाहे हम यूके में हो या हम यूके से बाहर हो, उसमें हम सभी इन्वॉल्व हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने वीज़ा की फ़ीस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी है, अनएक्सेप्टेबल इंक्रीमेंट किया है इन्होंने। आई डोंट नो क्या सोच के इन्होंने ये इंक्रीमेंट किया है। जैसे और इसमें सारे ही कैटेगरीज, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वो स्किल वर्कर वीज़ा हो, चाहे वो आईएलआर के लिए हो, चाहे वीज़ा एक्सटेंशन के लिए हो, सारे ही कैटेगरीज इसमें इफ़ेक्ट हुए हैं। जो पहला है, लेकिन हाँ इसकी स्टार्ट डेट अभी तक नहीं कही गई है कि ये दिस ईयर कब से लागू हो रहा है या नेक्स्ट ईयर से लागू हो रहा है, लेकिन ये ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया गया है तो आप एक्सपेक्ट कर लो कि ये बहुत जल्दी अप्लाई भी हो जाएगा। सबसे पहला जो है IHS की फ़ीस, तो जब भी हम UK में आते हैं हमें इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे करना पड़ता है, जो पहले 624 पाउंड्स था वो अभी बढ़ा के 1035 पाउंड्स पर ईयर कर दिया गया है, ऑलमोस्ट डबल। ये काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाएगी हम लोगों को बाहर से जो यूके आना चाहते हैं। इट्स लाइक 624 से 1035 पर ईयर। जो स्टूडेंट वीज़ा थी, यूथ मोबिलिटी वीज़ा होल्डर, जो कि यूथ मोबिलिटी वीज़ा भी अनाउंस की गई है, उसके ऊपर मेरी एक वीडियो है, आप ज़रूर देखना, वो भी बढ़ा के 472 to 776 पाउंड पर ईयर कर दिया गया है। वर्क वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा भी जो है वो 15% की हाइक की गई है, जो भी करंट अमाउंट है जिस भी कंट्री की टूरिस्ट वीज़ा की उसके ऊपर 15% इंक्रीमेंट है। जो लोग हाई स्केल वर्क वीज़ा में अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी जो वीज़ा की रेट थी उनकी कंट्री की उसके ऊपर 15% की इंक्रीमेंट कर दी गई है। जो लोग ILR या अपने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए करना चाहते हैं या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी फ़ीस 20% हाइक कर दी गई है। जो भी वीज़ा की फ़ीस है वो सारी ही बहुत महंगी कर दी गई है और काफ़ी हाई इंक्रीमेंट कर दिया गया है। जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है वो थोड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि यूथ मोबिलिटी वीज़ा जो है उसको डेट अनाउंस कर दी गई है 25 जुलाई 1:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से ये वीज़ा की बैलेट ओपन हो जाएगी और 27 जुलाई 1:30 PM IST के हिसाब से ये बंद भी हो जाएगी। 48 आवर्स, 2 दिन का टाइम है आपके पास अपनी एप्लीकेशन को डालने के लिए अगर आप एलिजिबल हैं। प्लीज़ इस वीज़ा का फ़ायदा उठाएं क्योंकि इन कंपेयर टू स्टूडेंट वीज़ा या अदर वीज़ा के हिसाब से ये फिर भी अभी काफ़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग इंडिया से बाहर यूके आना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर आप खर्च नहीं करना चाहते हैं तो ये वीज़ा आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके ऊपर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप प्लीज़ वो वीडियो को देखें और उस हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को करें ऑन 25th। एक चीज़ इसमें बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ लास्ट मिनट तक का वेट ना करें क्योंकि दिस ईयर जब फरवरी में ये बैलेट ओपन हुई थी तो इनकी वेबसाइट क्रैश हो गई थी, इतने लोगों ने एप्लीकेशन डालना शुरू किया था और बहुत सारे लोग नहीं डाल पाए थे जस्ट बिकॉज वेबसाइट की प्रॉब्लम की वजह से। इसीलिए लास्ट मिनट तक ना डिले करें अगर ये 25th को ओपन हो रहा है और आप जानते हो कि आप एलिजिबल हो और आप सब कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड आप एप्लीकेशन को डाल दें। यही है मेरी 5 अपडेट जो कि अभी रिसेंटली यूके में बहुत ज़्यादा चल रही है और सब लोग ही आई वोंट से कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है ये इंटरनेशनल लोगों के लिए, खासकर अगर मैं इंडिया की बात करूं क्योंकि वीज़ा फ़ीस बढ़ चुके हैं, IHS की फ़ीस बढ़ चुकी है। स्टूडेंट वीज़ा में आप आते हो तो अगर आपको जॉब मिलता भी है तो भी आप स्विच नहीं कर सकते हो, तो आपको अपने स्पॉन्सर को समझा के रखना पड़ेगा कि जब तक मेरी कोर्स ख़त्म नहीं हो रही है मैं स्विच नहीं कर सकती वीज़ा अपना। एंड डिपेंडेंट्स आर नॉट कमिंग, तो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि डिपेंडेंट को ना लाने का मेन रीज़न यूके की गवर्नमेंट ने यही एक्सप्लेन किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट नाइजीरिया, इंडिया, बांग्लादेश से आते हैं और वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में डिपेंडेंट्स को अपने साथ लेकर आते हैं जिससे कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनका इकोनॉमिक ग्रो नहीं कर रहा है, एंड दैट्स द रीज़न कि उन्होंने डिपेंडेंट को स्टॉप कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी जो भी सारे रूल्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन यही मेरा पर्पस था वीडियो बनाने का, आपको अपडेट करने के लिए कि यूके में आखिर क्या चल रहा है।
सो आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल पूजा सिंह लंदन. बाय बाय.